नमस्कार, मेरा चैनल एजुकेशनल एंड बेसिक इंफॉर्मेशन चैनल में आप सब लोग को हार्दिक स्वागत है। आज हम सीखेंगे भीम आईसीयू डीएसएलआर इंस्टाग्राम और ओयो के फुल फॉर्म के बारे में और कब किसने बनाया था उसके बारे में और साथों साथ थोड़ा बेसिक जानकारी देंगे। आइए चलते हैं पहला सब भीम के फुल फॉर्म के बारे में। भीम BAS का मतलब होता है भारत। I का मतलब होता है इंटरफेस, INTERFACE इंटरफेस फॉर मनी, MONEY मनी। और भीम ऐप एप्लीकेशन सबसे पहले कब लॉन्च हुआ था? सबसे पहले लॉन्च हुआ था 30 दिसंबर, DECEMBER 30 दिसंबर 2016 को। और किसके द्वारा किया गया था सबसे पहले लॉन्च? किसके द्वारा किया गया था? NPCI द्वारा। NPCI का मतलब होता है नेशनल, ठीक है। पी का मतलब पेमेंट, PAYMEN पेमेंट। सी का मतलब कोऑपरेशन। और ओ ऑफ आई का मतलब होते इंडिया, INDIA इंडिया। और नेक्स्ट चलते हैं हम आईसीयू के बारे में। आईसीयू सब आप सब लोग को पता होगा क्योंकि आईसीयू हम एक मेडिकल से जुड़ी शब्द है। हम कभी कोई गंभीर शोध या कोई बीमारी में जब होते हैं तब डॉक्टर हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती कराते हैं। आइए चलते हैं आईसीयू के फुल फॉर्म और कब किसने आविष्कार किया उसके बारे में। आईसीयू का पहला फुल आई से होता है इंटेंसिव, सी से केयर और यू से यूनिट। और इसको गहन चिकित्सा केंद्र भी कहा जाता है। और इसको सबसे पहले किसने आविष्कार किया था आईसीयू को? ब्रिजन इप्सेन ने कब आविष्कार किया था? 1953 में आविष्कार किया था। आईसीयू को सबसे पहले किसने आविष्कार किया था? आईसीयू को सबसे पहले किसने? ब्रिजन एज इस बैंड ने किया था। कब किया था? 1953 में। आइए चलते हैं हम तीसरे तो फिक डीएसएलआर के फुल फॉर्म के बारे में। और आप लोगों ने मेरे वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको इसी तरह जानकारी अच्छी अच्छी जानकारी अच्छे अच्छे फुल फॉर्म चाहिए तो मेरे चैनल को प्लीज एक बार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथों साथ बेल आइकन की घंटी को बजाइए। चलिए चलते हैं डीएसएलआर के फुल फॉर्म के बारे में। डीएसएलआर कब होता है? डिजिटल, DIGITAL डिजिटल। एस का मतलब होता है सिंगल, SINGLE सिंगल। एल का मतलब होता है लेंस। और आर का मतलब होता है रिफ्लेक्स। और रिफ्लेक्स इसको सबसे पहले किसने आविष्कार किया था? विलार्ड। एस बॉयली ने किया था। और किसने किया था? और गेरोगे स्मिथ ने किया था। इसको कब आविष्कार किया था? सन 1969 में किया था, ठीक है। अभी हम तीसरा शब्द इंस्टाग्राम के बारे में सीखेंगे। इंस्टाग्राम शब्द वर्ड बाय मीनिंग नहीं है, फिर भी इंस्टाग्राम दो शब्द से लिया गया है। इंस्टेंस कैमरा, सी ए
MERA इस तरह कैमरा प्लस और टेलीग्राम TELEGRAM ये दो शब्द को मिला के इंस्टाग्राम शब्द को लिया गया है। और इसको सबसे पहले किसने बनाया था? केविन KIVIKEVIN केविन सिस्ट्रोम ने बनाया था SYSTROM सिस्ट्रोम ने बनाया था। कब बनाया था? 6 अक्टूबर 2010 को बनाया था। और हम चलते हैं नेक्स्ट ओयो होटल के बारे में। ये शब्द आप लोगों ने सबने सुना होगा। चलिए जानते हैं ओयो होटल का फुल मीनिंग क्या होता है। सबसे पहला ओ का मतलब होता है ऑन और वाई का मतलब योर और फिर ओ का मतलब ओन्स और रूम रूम्स होते हैं। ओयो का मतलब होता है ऑन योर ओन्स रूम। और इसको सबसे पहले कब इंडिया में लॉन्च हुआ था? जून 2013 में। और किसके द्वारा क्या गया था? रितेश अग्रवाल द्वारा। आज के लिए इतना ही है। और मेरी ऐसे ही और आपको वीडियो देखने के लिए मेरा वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे को और ऐसा ही वीडियो बनाने के लिए हौसला दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।